लोगों के सामने पेश है हमारी नई संगीत जियो जीने दो उर्फ गौरी बली। आने का वक्त हो गया है, हम सब लोग साथ में लगते हैं। तब यही मेरा बेटा है।
तुम खड़ी हो? अरे कुछ भैया अपने बारे में नहीं जान पाई? नहीं भैया मैं कुछ नहीं जानती। अरे बहुत अनर्थ हो गया है। क्या हो गया है? हरी बात तो सुनो। हो गई बड़े गजब की बात, कैद हो गया तेरा भाई। इससे ज्यादा मौका बाद में नहीं मिलेगा। आज तंसी अगर जो ये मुर्गा हाथ से चला गया तो जिंदगी में तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अरे भैया ये किस सुनसान रास्ते से लेकर आए हो? मुझे लगता है ये रास्ता मेरे मायके तक नहीं गया। सीटी बंद करो। गौरी इस रास्ते से हम तुम्हें जानती हो किस लिए लेकर आए हैं? किस लिए बताऊं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात, इधर आ जाओ।
गौरी, हकीकत में जितना तुम्हारा नाम सुंदर है उतना भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया है। सुनो मेरी बात, बात को अगर मानो जरा एक तुम, बात को सुनने को बंसी दादा आदि में ही रहता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत जुलूम करो। हम तुम्हारे भैया, हम तुम्हारे यहाँ से हाथ जोड़ रही हूँ अमरी चिड़ी। एक प्रवचन तुम्हें सुनाई, सुनो। तो चांदनी चांद करती है चमकना तारों को पड़ता है, जाए।
चोरे जैसी औरतों के सत्यानाश पर हराम चोरे तुम्हारी सकल ठोकम है कोतव नहीं गए मगर हम तुम्हारी सकल पर अपनी जान दे सकते हैं और तुम्हारी जान ले भी सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर जो तुम्हारी जुबान से कहीं गंदा अपशब्द निकल आया तो तुम्हारी हम आज वो दशा कर देंगे कि देखने वालों के पैर के नीचे से बताऊं एक बार आई मम्मी अरे हाय धीरे धीरे हम तोरी मम्मी यहाँ पर नहीं आएंगे ए धीरे धीरे Thank you.
वो बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले बना के क्यों लेकिन अपने गांव अपने घर नहीं जाऊंगी। या भगवान हो ऊपर वाले, ऊपर वाले बना के तू बिगाड़ा रे, अरे अरे बहन, तुम इस बियाबान में, इस बियाबान जंगल में अपना सर पटक पटक करके क्यों जान दे रही हो? तुम बहन कहने वाले कौन होते हो? मैं डाकू विक्रम। लेकिन मेरी इज्जत तो लूट जा चुकी है, उसे लूट कर तुम क्या करोगे? नहीं बहन, मैं अपनी इज्जत लूटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगला आदमी को सुधारने के लिए आया हूँ। बहन, तुम्हारे मुख से ये मैं सुनना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरी कमजोरी दास्तान सुनकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी दास्तान सुनकर की उन जालिमों से गिन गिन के बदले चुकाऊंगा। बहन नहीं, क्योंकि उन जालिमों को मारने से मेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं वापस आएगी, अगला किसी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। बहन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मुझे बहन कहते हो तो मैं भी आपको अपना भैया मानती हूँ। लेकिन भैया मेरी बहुत दर्द भरी कहानी है। भैया सुनो अपनी दर्द भरी कहानी। अगर तुम मेरी दर्द भरी कहानी सुन लोगे तो आपकी आंखों से भैया आंसू आ जाएंगे। मैं सुनना चाहता हूँ बहन, आप अपनी भरी दास्तां सुनाओ। मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगी भैया, क्योंकि भैया मैं और मेरे पति केवल दो लोग रहते थे अपने मामी के यहाँ, और मामा और मामी में बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक दिन मामी मुझे और मेरे पति को घर से निकाल दिया, भगा दिया, धक्के मार कर क्या हुआ? सारे गहने कपड़े उतरवा लिए। फिर मेरे पति की यहाँ जगतगंज में कुछ जमीन